एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, डेलॉइट की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पर्टिकुलरली 23 बैच वालों के लिए, जिसमें बी बी टेक एम ई एम टेक और एम सी ए वाले एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। और सैलरी पैकेज तो बहुत ही ज़्यादा है इनका, ठीक है। यही सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि कभी भी कोई भी तरह की वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी तो मोस्टली हम ऑफ कैंपस हायरिंग के ऊपर ही ज़्यादा जोर दे रखे हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी से बहुत कम ही अपडेट आ रही है। लास्ट टाइम हमने सेंचर, टीसीएस, विप्रो और क्या बोलते हैं, और जो उनकी ऑफ कैंपस हायरिंग है कब तक होगी उनके ऊपर वीडियो कवर की थी। उसके अलावा सारी ऑफ कैंपस हायरिंग ही चल रही है, आप देख भी सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता ना किसी कंपनी से रिलेटेड, तो प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप एक बार जाके गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है। देख सकते हो टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, विप्रो, जूहो, असेंचर, टीसीएस, इंफोसिस, सभी की अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो, ये है डेलॉइट की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये होने वाले एनालिस्ट ट्रेनी की जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे होंगे। आर यू ए क्विक लर्नर विद विलिंगनेस टू वर्क विद न्यू टेक्नोलॉजी, ये सारी इनके ऊपर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वर्क यू विल डू आपके एनालिस्ट ट्रेनिंग के ऊपर होगी। डिलीवर ऑन स्पेसिफिक कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंड द बिजनेस रिक्वायरमेंट, सपोर्ट एप्लीकेशन डिजाइन, बिल्ड टेस्ट एंड डिलीवर सॉल्यूशन, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्रिएशन। उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके ऊपर आ जाते हैं, जो ग्रेजुएशन आपकी 23 में ही होनी चाहिए, 60% या 6.5 CGPA या उससे अबव होना चाहिए, कोई बैकलॉग आपकी नहीं होनी चाहिए, इसमें बी टेक, एम टेक, 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड और MCA वाले एलिजिबल है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर जर्नल एक्सपेक्टेशन में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, इसके ऊपर नॉलेज होनी चाहिए। और द सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको एक साल का मतलब कि बॉन्ड आपको मिलने वाला, अगर आप यहाँ पर वो करते हो, आप यहाँ पर सिलेक्ट होते हो तो। अब उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो जैसे कि आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद शॉर्ट लिस्ट होगे, फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट, फिर पर्सनल इंटरव्यू, फिर रिजल्ट का आएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप 23 से हो, बी टेक, MEM टेक और MCA से हो, तो अप्लाई जरूर करना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।